हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा। नाउ यू वाचिंग polytechhub.com। दोस्तों, हम लोग NCERT 7.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हम लोग का 15 तक कंप्लीट हो चुका था। आज बढ़ाते हैं उस लेक्चर को और आज इस एक्सरसाइज को कर देते हैं समाप्त। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को लेक्चर में, तो इसको कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने 16 प्रॉब्लम के साथ हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का 16 प्रॉब्लम कहाँ क्या रहा है जरा सा देखिएगा। 16 प्रॉब्लम है tan 4x। ओके, तो tan 4x को हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। tan 4x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग एक फेस सिलेक्ट कर ले अपने लिए। हम लोग एक फेस सिलेक्ट कर ले और शुरू हो जाते हैं और कलर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, अभी हम लोग को इंटीग्रेट करना है 16 नंबर प्रॉब्लम में जो हम लोग को इंटीग्रेट करना है, वो क्या करना है, tan 4x को। 16 नंबर प्रॉब्लम कहता है कि भाई आप tan 4x को करके दिखाओ। हम देखते हैं, अगर बड़ी बड़का पावर लेके आया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बड़ा पावर देखे घबराएंगे नहीं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पावर में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे tan²x (tan²x dx। ठीक है, इतना तक तो छोटे पावर में कन्वर्ट कर लिए। अब इतना तक करने के बाद हमें पता है ऑलरेडी कि tan और sec दो बहुत प्यारे से जुड़े हैं, है कि नहीं। tan और sec क्या, दो बहुत प्यारे से जुड़े हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, आप sec में। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं tan²x को sec²x - 1 into tan²x dx। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा। sec²x into tan²x और dx बाद में लगाएंगे, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan²x dx। अब दो टर्म अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग कर दे और इंटीग्रेशन अलग अलग लगा लेते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा sec²x इंटू tan²x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan²x dx। दोस्त, tan²x का तो हमने करना सीख रखा है और प्रॉब्लम में कर भी लिए हैं। और यहाँ पे क्या है कि tan को t मानेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन sec², तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। और बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे i। ठीक है, इसको मान लेंगे i, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानेंगे i। अब देखो, ध्यान से सुनो, एक काम करते हैं, i मानने से पहले भी एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर i मानेंगे। नहीं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इसको लिख देते हैं sec²x इंटू tan²x dx माइनस, दोस्त इसको फिर तोड़ लेंगे sec²x - 1 dx में। ठीक है, अब दोस्त यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी सेपरेट कर देंगे, और यहाँ तक करने के बाद हम इसको भी सेपरेट कर देंगे, और ये हो जाएगा sec²x इंटू tan²x dx माइनस sec²x dx, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई होता प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा दोस्त। इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता चल रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता चल रहा है, बस इसका नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो दोस्त इसका हमें t मान के करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा sec²x इंटू tan²x dx। इसका हो जाएगा क्या, sec²x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, tan x, और इसका dx का क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और नहीं तो वहाँ पे ही मान लेते, क्योंकि हमको इसमें प्लस c देना पड़ेगा, प्लस c1 अगर हम दे देते यहाँ पर, प्लस c1 दे देते, क्या है, प्लस c1। अब दोस्त एक काम करते हैं, अब से प्लस c1 दे ही दिए हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इक्वेशन इसको इसके लिए क्या करते हैं, पुट यहाँ पे, पुट टी बराबर क्या पुट करेंगे, tan x। ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, पुट टी बराबर tan x, है ना,
और टी बराबर टेन एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्त, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब क्या करेंगे दोस्त, हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ये किधर गया, ये गया डी एक्स और ये गया सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बदले डी एक्स और डी टी पुट करें, जैसे पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्त। ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ इसके बदले टी पुट करेंगे तो टी टेन के बदले टी, तो टी स्क्वायर, और पूरा के बदले क्या हो जाएगा डी टी माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी वन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा क्या टी स्क्वायर का टी के और थ्री बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी वन, और इसका हो जाएगा सी टू, दोनों मिला के फाइनल सी निकल लेंगे। और टी का मान पुट कर देंगे, टी का मान कितना मान है टेन, तो हो जाएगा टेन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते थे इस प्रॉब्लम को दोस्त। यहाँ पे आपको एक काम क्या करना होता है, अभी हम लोगों ने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच देखा, थोड़ा सा अगर लिखने का अप्रोच देखिएगा तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, और यहाँ पे भी देखो इसको आई मान लीजिए और इसको लिख लीजिए, तब पुट कीजिए टी इक्वल टू इतना ज़्यादा, मतलब आपको ये एक प्रॉपर वे में हो जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखना है, बाय द वे आपको सॉल्व कैसे करना है वो सारी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि साथ साथ आप लिखने का तरीका भी सीखते चलिए। ठीक है दोस्त, यहाँ तक करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं, हमारे पास जो 17 नंबर प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है। ठीक है, 17 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है भाई इंटीग्रेशन करके दिखाओ साइन क्यूब एक्स का प्लस कॉस क्यूब एक्स का इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोस्त इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कह रहा है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, जो कि अब पता है ऊपर में एक से अधिक टर्म है प्लस में नीचे में एक सिंगल टर्म है, तो आपको कई बार बता रखे हैं कि जब ऊपर में एक से अधिक टर्म और सिंगल टर्म नीचे में हो तो उसको अलग अलग कर लेना काफ़ी फायदेमंद रहता है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो ये कैसा बन जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो दो साइन वाले से एक साइन बच जाएगा, यहाँ एक पावर बचेगा साइन का, और यहाँ पे दो कॉस में से एक कॉस का एक पावर बचेगा, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, कैसा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा दोस्त अगर हम इसको अरेंज करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ये वो कॉस साइन वाला को दे दीजिए तो साइन बटा कॉस टेन बन जाएगा, एक वन बाई कॉस एक होगा वो सेक बन जाएगा। तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ये वो साइन एगो कॉस को दे दीजिए टेन बन जाएगा टेन एक्स। अच्छा एगो जो कॉस बचा वन बाई कॉस, तो वो क्या है वन बाई कॉस क्या होता है सेक, तो इंटू सेक एक्स हो जाएगा। अच्छा प्लस इसका क्या हो जाएगा ए वो कॉस दे देते ही कॉट एक्स बन जाएगा। ठीक है, और एक बटा साइन क्या बन जाएगा इंटू में कॉस सेक एक्स बन जाएगा। दोस्त कुछ ऐसा हो जाएगा, अब क्या कीजिए इसको सेपरेट कर लीजिए क्योंकि अब अलग अलग दो टर्म मिल गया, तो सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ से सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉस सेक एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्त, अब देखिए sec x इंटू टेन एक्स का एक फॉर्मूला है, तो किसका फॉर्मूला होता है ये
किसका फॉर्मूला होता है, sec x इंटू टेन एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। तो sec x का इंटीग्रेशन, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है sec x। देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये माइनस ऑफ cosec x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही है, आपको याद होगा। तो ये माइनस ऑफ cosec x प्लस सी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर माइनस sec x माइनस sec x माइनस cosec x प्लस सी। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग 17 नंबर को भी उड़ा दिए गर्दा। अब आते हैं बढ़ते 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 नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना, बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है 18। अब आप अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अब कुछ कुछ सीख पा रहे हो अब इंटीग्रेशन करने का। देखो कुछ बच्चे हैं जो बहुत परेशान हैं, नॉर्मली बता रहे हैं कि सर ये इंटीग्रेशन कब तक ख़त्म होगा, सर का लेक्चर उक्चर, ये बहुत सारा। हम आपको बता दें आपको कि इंटीग्रेशन आपके सिलेबस का 50% सिलेबस है, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये आपका इंटीग्रेशन वाला जो सेक्शन है, एरिया अंडर द कर्व लेके पूरा सेक्शन, ये आपकी 50% सिलेबस है, मतलब आपकी लगभग रोल प्ले करते हैं 50% का। अगर आपका ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाए ना, तो बाकी पोर्शन आपका 50% के इक्विवेलेंट, उसे कम ही हो जाएगा, 60% ये रोल कर लेगा। तो आपको चिंता, इसको बढ़िया कर लो ज़बरदस्त, और अकबकाओ मत, है ना, अकबकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम आपको ए टू जेड कंप्लीट कर देंगे, है ना। और रह गई बात, कुछ बच्चे का एक और इशू आ रहा है कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट के लेके हल्ला कर रहा है। दोस्त हम आपको पहले भी बता रहे हैं और अभी भी अनाउंस कर दे रहे हैं कि आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली है, है ना, क्योंकि हमें बचाने की बात याद आया, क्योंकि बार बार ये सिलेबस के लेके जो बच्चा हल्ला कर रहा है तो हमें इस बात के लेके भी याद आया इस चीज़ को, है ना। तो किसी को नहीं मिलने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, हम बता रहे हैं कि 40-45% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, जो कि आज यहाँ से आप पास कर जाओगे, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला। आपको उसके लिए 1500 पे करने पड़ेंगे, जो आपके पास जो पेपर है वो आपको कहा गया, वो अनाउंसड है, वो आपको करना ही पड़ेगा उतना, इसलिए भी क्योंकि हमें भी मतलब हम कह रहे हैं कि उस सपोर्टिव फी है, तो आपको उतना करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको 40-45% सिलेबस हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में आप पास करने लग पड़ो, आराम से मस्ती में हम पढ़ाएंगे ए टू जेड जितना भी है, 40-45%। बाकी अगर आपको टोटली सिलेबस चाहिए तो आपको सपोर्टिव फी आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना, जो फैक्ट है, क्योंकि है ना, हम अब कुछ बच्चे का कमेंट हम देख रहे थे, कुछ बलगर कमेंट था उसका कि सर हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। भाई पैसा नहीं है तो हम ये कभी तो बोले नहीं कि आप 5000 फी दो, 4000 फी दो, या फिर आप हमसे बात तो करो एग्जैक्टली कि हाँ सर हमारे पास पेरेंट्स से बात कराओ सब चीज़ की क्या स्थिति है क्या नहीं है, है ना, हम आपके सपोर्ट में ना हो तब ना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर बहुत ज़्यादा इतना क्रिटिकल कंडीशन यार, तो हम खुद दे दें पैसा तुम्हें पढ़ने के लिए, है ना। तो बात ये फैक्ट है, तो एक्चुअल में आप ऐसे मनगढ़ंत बातें करोगे तो वहाँ से नहीं होंगी, लेकिन अगर किसी की रियली में है तो हमने यहाँ भी बहुत बच्चों को ऐसे सपोर्टिव पढ़ाई करवाए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपकी भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, है ना, तो वो चीज़ें हैं, ठीक। तो दोस्त यहाँ तक देख लो, है ना, हम लोग गप मारने लगे बीच में, कोई बात नहीं, हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे की क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो लोग हम लोग को भी जानना भी ज़रूरी रहता है। और तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है, इस प्रॉब्लम को करना है, तो आइए हम लोग देखें कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ये cos 2x है, 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x है। हमारे पास जो 18 नंबर प्रॉब्लम है ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin square x अपॉन cos square x। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसे दिख रहा है, सब x में दिख रहा है, ई 2x में दिख रहा है, काबिल दिख रहा है कि नहीं, ये सब x में दिख रहा है और ये 2x में दिख रहा है, नहीं हम कहे यार सब x में, तू भी x में आ जा, है ना, तो रहने देंगे, तो हमारा भी काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको cos x 2x को किस में बदलेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और कहेंगे कि भाई तू बदल जा,
क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला याद होने चाहिए, प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों 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 क्यों, हम कहेंगे कि चूंकि कॉस टू एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बात बताएंगे हम वहाँ पे। दोस्त यहाँ तक करने के बाद हम ये बात कहेंगे कि देखिए अब एक साइन स्क्वायर टू में से जाएगा तो एक बच जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा अब ये साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, जैसे ही हमारे दिमाग में आया हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अच्छा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, अपने आप बोलते चला गया है ना। और हमको पता है ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें फॉर्मूला ही पता है इसका, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है टेन एक्स, फॉर्मूला ही है क्या है टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम दोस्त क्या देख लिए कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग डन करेंगे कम्पीट करेंगे। तो आपने देखा कुछ किए नहीं है, ये कहते गया कि भाई पहले कॉस टू एक्स सब एक, हम आपको पहले भी कई बार बताए इस चीज़ को कि यहाँ पे अगर अलग एंगल में रहे तो पहले एक एंगल में रहता है तो काम करना कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टू एक्स है यहाँ पे एक्स है, तो पहले हमको ये बोला कि भाई हमको कन्वर्ट कर लो, तो हमने कहा कि भाई कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है क्या टूल, तो हमने कहा हाँ है भाई, तुमको तो याद था और आप लोग को भी याद होगा, तो आपने इसको अप्लाई कर लिया। फिर इसके बाद कहे कि भाई देखो कि इसमें से ये घट जाने के लिए कर रहा है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि घट जाएगा, तो घटा के लिख दिए, जैसे ही घटा के लिख के करा भाई हम वन हो जाएंगे, हम कहे भाई हो जाओ वन है ना, हमको क्या जाता है। फिर इसके बाद वन बाई कॉस स्क्वायर देखे तो कहा हम सेक स्क्वायर होंगे, और फिर वहाँ से वो आपको फॉर्मूला पर बैठ गया। दोस्तों इस तरीके से हम लोग 18 नंबर प्रॉब्लम जो है हम लोग उसको भी कंप्लीट कर दिए। अब बात करते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम की, क्या कहता है 19 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है दोस्त। 19 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रही है, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, 24 प्रॉब्लम है इसमें, टोटल 24 प्रॉब्लम है, हम लोग अभी 19 पे है, चार पांच प्रॉब्लम और रह गया हम लोग को डिस्कस करना। तो हम लोग बढ़ते हैं 19 के तरफ, और ये है 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। 19 नंबर प्रॉब्लम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। दोस्त इसको देखते ही हमें कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, तो हमने कहा वन को कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोस्त फटाफट काम शुरू करें और इसको लिखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद दोस्त क्या करो, अब जैसे आपको देखा कि ऊपर में दो टर्म है नीचे में एक सिंगल टर्म है, जैसा आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है अलग अलग करना क्या रहता है फायदेमंद रहता है, तो आप क्या कर लो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्त। अब यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसमें से आप देखिए क्या होगा, इसमें से होगा क्या यहाँ पे एक साइन चला जाएगा, बचेगा ऊपर में एक साइन, ठीक है, और एक कॉस उसको दे देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा देखिए, तो एक साइन चला गया, ऊपर में बचेगा एक साइन, तो ये बचेगा साइन बट्टा का ये, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा साइन एक्स बट्टा का, एक स्टेप लिख ही लेते हैं क्या बात है, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा इसको लिख सकते हैं प्लस प्लस, ठीक है प्लस, इसका क्या हो जाएगा देखो दोस्त, इसका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका दो कॉस चला जाएगा, ये दो कॉस चला गया और टू कॉस चला जाएगा, टू कॉस से इधर तो पूरा कंप्लीट ही ख़त्म ही हो जाएगा है ना,
ये 2 cos कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 cos बच जाएगा, ठीक है। अब ये 1 cos बच जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये बनेगा क्या, 1 by sin x into cos x। दोस्त अभी आपको ध्यान में क्या रखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आपने कर रखे हैं, है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे प्रॉब्लम अब इसमें ये अपने आप में एक प्रॉब्लम बनेगा जो कि आपको पहले से किए हुआ है, तो आपको स्टेप्स याद होना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम में कैसे हमें स्टेप्स लिए थे, जिससे कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे पहले प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग, तो अब क्या करना है दोस्त कि यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आ रही थी, अब इसको ज़रा सा हम अरेंज वे में लिख लें। तो दोस्त क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये देखो ये हो जाएगा टेन एक्स और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यही कुछ ऐसा बन जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा प्लस प्लस दोस्त ध्यान से देखो, इसको कुछ लिख नहीं सकते लेकिन आपको याद होगा, आपको याद होगा कि हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में क्या किए थे, ऊपर में कॉस एक्स से और गुना कर दिए थे और नीचे में भी कॉस एक्स से गुना कर दिए थे, दो कॉस एक्स से गुना कर दिए थे, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और ये ऊपर में कॉस एक्स है, तो इसको ऐसे कुछ अरेंज करके लिख लें। देखिए ऊपर में कॉस से गुना कर दे, ऊपर में कॉस से गुना कर दे, हम चाह रहे थे कि सेक स्क्वायर बने और टेन बने, ताकि सेक और टेन क्या है, दो प्यारे से जोड़े हैं। तो दोस्त यहाँ जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, जरा सा देखो ये हो जाएगा साइन एक्स, इस देखो ध्यान से इस ये होता ये तो ये तो ये तो है कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और दोस्त ये ऊपर वाला कॉस को नीचे में ऐसे कॉस एक्स के रूप में लिख सकते हैं क्या, ताकि ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ हो गया, तो ये पूरा आपका कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी बन जाएगा। अब यहाँ तक बनने के बाद ये हमारे काम पे जाते जा रहा है, तो यहाँ पे जाने के बाद हमारा कुछ सवाल ऐसा बन जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इसको अलग अलग ही कर दे या फिर रहने दे साथ में, अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग टर्म, दो टर्म है अलग अलग कर लेते हैं। दोस्त ये देखो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये बनेगा 1 बाई टेन एक्स, है ना, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा प्लस प्लस इंटीग्रेशन, अलग अलग कर भी दिए तो ये हो जाएगा क्या 1 बाई टेन एक्स इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोस्त ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप जानते हो कि टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, टेन का सेक स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, करेंगे पुट, क्या करेंगे पुट, क्या करेंगे पुट टी इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स बनेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्त, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, यही डिफरेंशिएशन कर दिया, डायरेक्ट कर लेंगे, अब हम लोग थोड़ा एक्सेसिंग फास्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। दोस्त सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है डी एक्स है, यहाँ जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके बदले जो डी टी हो जाएगा, अब बाकी जहाँ टेन है उसके बदले टी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है इसका क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू पावर में एक जोड़ेंगे डिवाइड 1 बाई टी का लॉन मोड ऑफ टी प्लस सी, कोई दिक्कत हमें यहाँ तक थी नहीं, तो टी का मान पुट कर देंगे, टी क्या है टेन, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉन मोड ऑफ टेन स्क्वायर एक्स मोड प्लस सी। तो दोस्त इस तरीके से हम लॉन लिखो या फिर लॉग लिखो, हम आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप लेक्चर कंटिन्यू मेरा देखते आ रहे हैं तो हम आपको सारी चीज़ें समझा रखे। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को भी कंप्लीट कर लिए, देख लीजिए एक बार गौर से अच्छे से प्रॉब्लम को, है ना, कुछ खास है नहीं, बस सिर्फ आपको अब आइडिया लगते जाएंगे कि अगर फॉर्मूला याद होंगे तो कि कैसे स्टेप्स लेते जाने हैं। तो यहाँ तक करने के बाद हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो हमारा 19 नंबर के बाद है 20 IPL आने वाला है जी, है ना, IPL आने वाला है, cos 2x sin cos 2x IPL आने वाला है भाई, cos 2x cos x plus sin x के होल स्क्वायर। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x plus cos x के होल स्क्वायर। दोस्त यहाँ क्या है, ये सवाल आपने कई बार कर रखे हैं ऐसे सवाल, जैसे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आप एक्स एक्स देख रहे हो या टू एक्स देख रहे हो, तो आपके मन में क्या आएगा कि एक एंगल में रहेगा तो काम अच्छा होगा, है कि नहीं,
हम आपको कई बार बोल चुके हैं यही बात। तो एक एंगल में आपके दिमाग में जैसे ये बात आएगा, फटाफट आप फॉर्मूला अप्लाई करो, लिखो अच्छा कॉस टू एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको याद होगा। अच्छा ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जैसे ही ये बात आया, ये बात हमको वो बोल दिया करने के लिए, इसके बाद हम देखा अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ही तो बैठ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इससे कट भी सकता है, तो हमने पहले हटाओ यार जो भी होने वाला है। तो हमने क्या करा, इसको कहा कि भाई ये कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा क्या कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये नीचे में हो जाएगा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। दोस्त अब देखो जैसे ही ये देखे तो हम गए अरे इसमें से एक तो कट जाएगा भाई, तो इसको घर पहुंचा दिए एक से एक ही ख़त्म। बच क्या गया हमारे पास, फाइनली बच गया हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दोस्त अभी ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इसका डेरिवेटिव इसका इसका डेरिवेटिव नीचे वाला का ऊपर है। तो आपको याद होगा कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से लगा के करते थे, इसका टी इसका डिफरेंशिएशन ये है तो हम लोग करते थे इसको टी मानेंगे इसको फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेकिन आपको याद है कि जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं लॉन टी प्लस सी, यानी हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे और टी इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन लगा के भी करोगे, हम सवाल करवा भी रखे हैं है ना, कई बार करवा भी रखे हैं, पूरे प्रॉब्लम में आपको देखिएगा कि ऐसे प्रॉब्लम करवा भी रखे हैं है ना। तो आप इसका डिफरेंशिएशन ये तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखें लॉन आई ए जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये फंक्शन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त लॉन है ना लॉन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड प्लस सी हो गया आंसर। ये लॉन है एलेन एलेन नेचुरल लॉग गाड़ी थम जिसकी बेस होती है ई। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आप 20 नंबर प्रॉब्लम को भी हम लोग कम्प्लीट कर लिए, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, आज तो इसको निपटा ही देना है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आ जाइए जो हमारा 21 प्रॉब्लम है, ए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे कुछ बेस्ट प्रॉब्लम दिया है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो 21 में आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा। तो 21 नंबर प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स है। दोस्त इस प्रॉब्लम में आपको थोड़ी सी अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि पहले आपको करना क्या है कि पुट कर लेना है टी इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा दोस्त अब टी इक्वल टू अगर हम कॉस एक्स पुट करेंगे तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है कि साइन एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब कॉस का मान है टी तो साइन का मान क्या हो जाएगा दोस्त, तो साइन का मान आपको पता है कॉस पी बाई बी बाई एच होता है, बी बाई एच है ना बी बाई एच याद है, तो हम लोग नॉर्मल वाला फॉर्मूला की बात करें नॉर्मल वाला का बी बाई एच है ना, तो यहाँ पर जब ये बी बाई एच होता है तो हम लोग एच ये आपका बी हो गया और ये 1h हो गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे p बराबर क्या होगा, p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर है ना, यही होगा ठीक। तो ये आपका p का मान होगा, तो यहाँ से अगर हम साइन का मान लिखें तो साइन क्या होता है, साइन होता है p बाई साइन आपका होता है p बाई एच, साइन क्या होता है आपका p बाई एच। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू लिखें साइन एक्स की तो साइन हो जाएगा आपका पी बाई एच, और ये आपका हो जाएगा पी का मान कितना है, आपका पी का मान है एच स्क्वायर माइनस बी, बी यानी टी, बी का मान क्या है यहाँ पे टी है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर बट्टा वन, ये यहाँ से ये हो जाएगा ठीक है। साइन एक्स के बदले हम इतना रख सकते हैं, साइन एक्स के बदले हम इतना रख सकते हैं ठीक है दोस्त, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स के बदले, साइन एक्स के बदले हम लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, अब टी किसको माने हैं, चूँकि टी बराबर कितना है कॉस एक्स माने हुए हैं, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, अच्छा
डी टी अपॉन डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स पावर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यही होगा डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स तो डी एक्स उधर भेजेंगे तो माइनस साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स के बदले क्या रख सकते हैं, वन माइनस टी, तो यहाँ जाएगा डी टी बराबर हो जाएगा क्या माइनस रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब करेंगे सवाल को चेंज, सवाल को करेंगे चेंज तो सवाल कुछ ऐसा बनेगा, सवाल कैसा बनेगा साइन इनवर्स और कॉस एक्स के बदले क्या डालेंगे, कॉस एक्स के बदले डालेंगे टी, ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स कॉस एक्स के बदले क्या डालेंगे कॉस एक्स के बदले डालना है टी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू। अब बच गया डी एक्स, क्योंकि इसके बदले जो टी पुट कर दे, डी एक्स के बदले क्या पुट कर सकते हैं, डी एक्स के बदले इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई, डी एक्स के बदले क्या पुट कर सकते हैं माइनस वन बाई रूट अंडर वन टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स, यही तो होगा, डी एक्स के बदले इतना पुट कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या आपका माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। दोस्त अब गौर से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है साइन इनवर्स टी का होता है वन बाई, माइनस को बाहर कर दे, माइनस को हम क्या कर दे बाहर कर दे, तो साइन इनवर्स का क्या होता है वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता था साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो फिर यहाँ से एक बार और सब्स्टिट्यूशन, आपको सब्स्टिट्यूशन में बताएं कभी कभी सवाल में हमें दो दो बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाता है, तो यहाँ पर एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और लिखेंगे u बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स टी, तो डी यू अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू बराबर क्या हो जाएगा वन बाय रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए गौर से, देखिए सवाल को गौर से, माइनस को तो हम बाहर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना के बदले क्या पुट कर ले वन बाय, इतना के बदले डी यू पुट कर ले कोई दिक्कत नहीं, और इतना के बदले यू पुट कर ले, तो यहाँ से माइनस तो बाहर कर दिए रहेंगे, इतना के बदले यू और उतना के बदले क्या पुट कर ले हम डी यू, क्या पुट कर ले डी यू, यू डी यू यहाँ पे हो जाएगा यू डी यू। अब यहाँ से देखो तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी, अब यहाँ तो आंसर आ गया बट यू का मान पुट करना हमें भूलना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे यू का मान जब पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को रहने दीजिए बाहर और वन बाई टू को भी बाहर कर लीजिए, माइनस वन बाई टू को बाहर कर लीजिए, और यू के बदले यू का मान क्या है साइन इनवर्स। अब दोस्त टी का मान भी पुट कर लीजिए, टी किसको माने कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस एक्स है ना प्लस सी, या फिर इसको लिख सकते हैं ये आपका आंसर, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको और भी अगर हम एक्सप्लेन करके लिखना चाहें, अगर आपको कोऑर्डिनेट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आती है तो आप इससे आगे भी कर सकते हो, लेकिन अगर यहीं तक आप आंसर लिख रहे हो फिर भी आपके आंसर गलत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे इसके आगे भी सॉल्यूशन अगर दिया हुआ हो, अगर इसको आगे भी सॉल्व किया जाए तो फर्दर ये आपको इसका यूज करके किया जा सकता है, किसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके किया जा सकता है। तो अभी हम आपको हम अभी चाहेंगे कि आपको इसको भी करके ही दिखा दे कि कैसे किया जा सकता है आगे तक, बट एटलीस्ट आप यहाँ तक करना सीख लो, ये यहाँ तक आंसर गलत नहीं है। ठीक है तो हम इसको इरेज कर देते हैं और इसका आगे भी हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि सॉल्व आगे कैसे कर सकते थे। ठीक है इसमें भी आप ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ तक आंसर सही है ना, अगर मज़ा और भी लेना है इसका ना तो फिर फर्दर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर हम इसको मिटा दें और इसमें और आगे आपको बता दें इसमें और क्या किया जा सकता है थोड़ा सा, तो दोस्त यहाँ पे क्या कर सकते हैं और आप एक्स्ट्रा में, कि आपको पता है ऑलरेडी कि साइन आंसर को, अब आंसर को सिंप्लीफाई करना वो हमारा आंसर है, उसको अब कई फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो वही आपको और सिंप्लीफाई करके लिखने की बात कर रहे हैं, वो हमारा सही है वहाँ तक। उसके बाद देखिए आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है वो पाई बाई टू, तो देखिए अगर इसी तरह से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स कॉस एक्स, अभी एक्स के जब बदले कॉस एक्स एंगल के रूप में, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है
अब देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर पाई बाई टू, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे आप देखो, हम इतना के बदले क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्मली है ना, या फिर वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लीजिए ताकि इसमें हम वैल्यू पुट कर सकें। देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। और दोस्त अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद हो, इस कॉस इनवर्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बदले हम पुटअप कर सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, ये यहाँ पे इतना बट्टा यू स्क्वायर बाई टू है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि यू के बदले तो इतना पुट कर लिए लेकिन इसका स्क्वायर लेना छोड़ दिए, तो स्क्वायर भी होगा दोस्तों। अब ये जो इतना आया, इतना जो आया ये वाला, ये इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसके बदले पुट कर सकते, देखिए ना साइन इनवर्स कॉस एक्स का मान कितना आया यहाँ, तो पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या पाएंगे हम, आंसर क्या मिल जाएगा हमें, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उसका वन बाई टू साइन इनवर्स, इसके बदले क्या पुट कर देंगे दोस्त, इसके बदले पुट कर देंगे हम पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब चाहो इतना पर रख दो फिर, या सिंप्लीफाई कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट इतना भी और किया जा सकता है ये आगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए ये, बाकी एक आंसर आप यहाँ तक भी एग्जाम्स में छोड़ दो फिर भी सही है, और यहाँ पर ले आओ तो थोड़ा सा वो आपका इफर्ट और देख सकते हो, बच्चा में थोड़ा सा और दम है कि नहीं, लेकिन अगर यहाँ तक भी आपका हो जाता फिर भी वो सही है ना, उसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई, यहाँ से भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, अपेक्षा करते हैं आपको पूरी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो बढ़ते हम अपने, यहाँ तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर ये, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है 22 नंबर प्रॉब्लम है, आई थिंक कि हमें पेज ऊपर कर लेनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है 22, 23, 24, अब मिशन नज़दीक नज़र आ रही है, ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं हम लोग 22 नंबर प्रॉब्लम, ये कह रहा है हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी वन बाई, है ना। तो वन, अब इसको हम लिखते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, कौन सा प्रॉब्लम था भाई, प्रॉब्लम नंबर 22 कह रहा है इंटीग्रेशन करके दिखाइए वन बाई, ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये प्रॉब्लम पूरे जितने भी प्रॉब्लम हम लोग किए हैं सब में यूनिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जितने भी किए हैं उसमें सब में से यूनिक प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्त। इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, ऐसे बोलोगे कि एक्स्ट्रा दिमाग आप कहाँ से लगा रहे हो, भाई हमने प्रैक्टिस से लगाया है ना, और आपको भी प्रैक्टिस से ही लगेंगे। और एग्जैक्टली देखो, ऐसे तो आपको बहुत टाइम दे देंगे, 2 घंटा 3 घंटा तो आप सोच पाओगे, लेकिन लेकिन अगर आपको लिमिटेड टाइम में कहा जाए तो शायद उस तरीक़े से आप उस समय नहीं सोच पाओ, यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पता होना, इसमें एक क्रूशियल स्टेप्स हम लोग लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, 2 cos तो नीचे में प्लस में बन जाएगा, नीचे में प्लस में बनेगा तो लफड़ा क्रिएट करेगा, तो वो होता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप लेते हैं, जो कि करना क्या होगा इस सवाल को बनाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी है ना, तो वन बाई साइन a माइनस बी से ऊपर और नीचा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, एक कांस्टेंट होगा क्योंकि a माइनस बी एक कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है, तो a माइनस बी भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ अगर साइन हम लेते हैं तो वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा, इससे ऊपर नीचा साइन साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ये क्रूशियल स्टेप्स है
जो कि आपको लेने थे, और शायद ये स्टेप्स आप प्रैक्टिस से कर पाओ या फिर खुद से भी अगर हो जाएगा तो एकदम फिक्स टाइम में, जो एग्जामिनेशन में आपको 3 घंटा में रहता है उसमें भी कई प्रॉब्लम रहते हैं, उतने टाइम में नहीं हो पाएंगे। तो वो आपको स्टेप्स, ये स्टेप्स जो क्रिशियल स्टेप, ऐसा नहीं कि हम अपने डायरेक्ट हम करते हैं, हमने भी प्रैक्टिस से ही आया है ना, तो आपको भी प्रैक्टिस से ही आएंगे। और अगर आप सोच भी पाते हो तो आपके लिए वो क्या कहें ना कि 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा एक प्रॉब्लम पे दो, तो शायद उस तरीके से आप सोच पाओ। ओके, ठीक है दोस्त, अब बात करें हम लोग इस प्रॉब्लम में। अब यहाँ तक तो हमें दिख रहा था ये है, लेकिन हम चाह रहे थे नीचे में कॉस वाला टर्म है, हमें कुछ ऐसा ही टर्म मिले तो कितना मज़ा आता। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए। तो हम लोग सोचे कि आप इसको अरेंज कैसे करके लिख ले सकते हैं, हम चाह रहे थे कुछ ऐसा ही नीचे में कुछ ऐसा बने। तो ये तो इसका तो हमें अब कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है बाहर रहेगा। हमने सोचा कि साइन को क्यों ना कुछ ऐसा लिखा जाए, ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस बी माइनस माइनस माइनस, देखिए ध्यान से, एक्स माइनस ए, देखिए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से एक्स कट जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस बी, तो प्लस ए माइनस बी, तो यही तो बच जा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। दोस्त इसमें दर्द आपको कहाँ होने लगेगी, अगर आप नीचे में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में जाएगा नीचे में, तो वहाँ से इंटीग्रेट करना और डिफ़िकल्ट बनने लगेगा। तो यहाँ पे एक लफड़ा क्रिएट होगा, जिसके कारण आपको जैसे हम स्टेप्स बता रहे हैं वैसे लेना काफ़ी ईजी रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये आपको पता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, आई वॉन्ट टू राइट विथ रेड कलर फॉर क्लियर विजिबिलिटी। ओके, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए जो साइन रहता है वही साइन, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला चीज़ हमारे पास आ जाता है दोस्त। तो अगर यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, तो अगर हम इसको तोड़ कर लिखना चाहें तो क्या कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, क्या कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, वन बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, दोस्त देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस, सॉरी साइन ए माइनस बी इंटू साइन, इसको मिटा ही ले, थोड़ा लफड़ाव नहीं रहना चाहिए, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब बट्टा में आ जाएगा आपको इंटू में क्या, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है दोस्त, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। ठीक, अब जब ऐसा आएगा तो आपको बार बार बता रहे हैं कि ऊपर में जब कोई टर्म रहेगा प्लस या माइनस में, दो या दो से अधिक टर्म रहे और नीचे में एक सिंगल टर्म रहे, तो अलग अलग कर देना क्या रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। जैसे ही आप अलग अलग करोगे दोस्त, ये क्या होगा, ये एक बार में इसके साथ दोगे, देखो ध्यान से, एक बार में इसको साथ दोगे तो देखो, तो कॉमन कुछ बन रहा है, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, देखिए कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, और ये क्या बचेगा जब इसको साथ देंगे, तो ये हो जाएगा कोसाइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, तो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये पहला वाला में टेन एक्स माइनस बी, ठीक है, बीच में हो जाएगा माइनस। ओके दोस्त देखिए यहाँ ध्यान से, जब इसको इस पूरे नीचे वाले टर्म को इसके साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, साइन एक्स माइनस ए रहते रहेगा, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी बच जाएगा, साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए, तो क्या बच जाएगा, टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए, इस तरीके से आपको ये बन जाएगा इंटू डी एक्स, पूरे के पूरे में क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, पूरे में क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब अलग अलग कर दे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो जाएगा।
अब दोस्त आपको tan का फॉर्मूला पता है कि tan का इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है, माइनस log cos x होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, माइनस log mod cos x, cos x के देखे ध्यान से, cos x के बदले क्या हो जाएगा, cos x माइनस b, ठीक है mod। अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, इसका क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ तो देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए इसको इसी तरीके से, इसका तो पहले ही से माइनस है और उसका भी माइनस आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है मॉड बंद हो जाएगा भाई, मॉड बंद हो जाएगा, ठीक है ठीक, कॉस माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस सी। अब देखिए अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी आ जाओ तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है लॉग मॉड ऑफ, देखिए ध्यान से, कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि माइनस में रहता है तो नीचे में वो क्या रहता है, डिवीजन में आ जाता है, गुना में रहता है तो प्लस में जाता है और माइनस में रहता है डिवीजन में आता है, तो ये प्लस माइनस वाला टर्म है तो नीचे आ जाएगा एक्स माइनस बी। तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 22 नंबर प्रॉब्लम कर लिए। अब हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा काम ये आसान भी हो गया, हम लोग 23 को यहीं पर कर लेंगे, है ना। आइए 23 नंबर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है 23 भाई, 23 क्या कहता है, 23 को देखिए भाई, देखो अब हमें ये मत कहना कि हमको क्या करना है, देख के ही आपके मन में आना चाहिए कि इसको अलग अलग कर लेना है, देख के आपके मन में, क्योंकि हम इतना बड़ी बात रिपीट कर दिए कि एक ऊपर में दो या दो से अधिक टर्म प्लस है, माइनस में, नीचे में एक सिंगल टर्म है, है ना, सिंगल टर्म मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में वो एक टर्म हुआ, सिंगल टर्म उसको अलग अलग कर लेना सबसे पहले फायदेमंद है। आप अलग अलग करो, 23 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग करो, क्या अलग अलग करोगे तो क्या होगा दोस्त, ये साइन वाला साइन से कट जाएगा, ये साइन जाएगा इसके साइन के साथ चला जाएगा, बचेगा इसके साथ जब भेजेंगे तब, ये बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बार में जब इसके साथ भेजेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर डी एक्स। अब अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स, तो यह हो जाएगा प्लस कोट एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला ही होता है माइनस कोट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो दोस्त यहाँ से आप देखो, यहाँ से आंसर मैच कर लो, यहाँ से आपका है टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, हमें फर्स्ट नंबर दिख रहा है एग्जैक्टली, हमें मैच कर जाएगा हमारा आंसर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। दोस्त अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नेक्स्ट 24 नंबर प्रॉब्लम की। तो पहले हम सबको डिलीट कर ले ताकि फिर से हम 24 आपको करके दिखा सके। 24 में क्या होगा, 24 में आप सेपरेट करना, आपको ये सब चीज़ आप पता, यही सब होता है कॉन्सेप्ट जो आप प्रॉब्लम कर करके सीखते हो, है ना, कि जैसे ऐसा दिखे हमें याद आएगा कि सर बोले थे कि अलग अलग करना फायदेमंद रहता है, शुरू कर लोगे काम, नहीं तो आप ताकते रहोगे वो भी आपको ताकते रहेगा, है ना, बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि कहाँ पे कैसे स्टेप्स लेने हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं। अच्छा e के पावर x 1 + x अपॉन cos स्क्वायर e के पावर x * x है, ठीक है दोस्त, ऐसा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम एक काम करते हैं ना, ये जो e के पावर x और x है उसका डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते हैं, तो ये u इंटू वी वाले रूल पे जाएगा, और u इंटू वी पर अगर हम e के पावर x इंटू x क्या करें, तो ये आपके प्रैक्टिस से आपको ये नज़र आ सकते हैं। देखिए e के पावर x और x क्या करेंगे तो क्या होगा, e a को छोड़ेंगे तो e के पावर x को छोड़ेंगे dx करेंगे, प्लस अब x को छोड़ेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही तो होता है। तो यहाँ से e के पावर x हो जाएगा इंटू 1, इसका हो जाएगा x इंटू e के पावर x, और e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e के पावर x दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + x। अब देखिए गौर से, ऊपर वाले गौर से देखिए x e के पावर x इंटू 1 + x, e के पावर x इंटू 1 + x,
सेम मैच कर रहा है, सेम क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। मतलब हमें एक बात समझ में आ गया था कि इसको टी मान लेंगे तो ये हमारा काम कर देगा। तो जैसे ही ये बात समझ में आया कि इसका डिफरेंशिएशन वो वाला है, फटाफट इसको टी मानेंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, काम स्टार्ट, ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए आ जाइए, इस क्वेश्चन के लिए आ जाइए। हम क्या करेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन के लिए कहेंगे पुट 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 टी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, है ना, यही तो है। तो इसका डी टी क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्त, अभी बनाए थे ई के पावर एक्स ऊपर वाला जो अभी किए थे, आपको यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, हमने अभी करके दिखाया था आपको। तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, और यहाँ से डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्त। अब देखो इस प्रॉब्लम को करते हैं चेंज, इस प्रॉब्लम को करते हैं चेंज, इसको देखिए इसको, हाँ ई के पावर एक्स वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या पुट कर सकते हैं, इसके बदले पुट कर सकते हैं डी टी, ऊपर में तो पूरा डी टी आ जाएगा, नीचे में इसको क्या माने, इसको तो टी माने हैं, ई के पावर एक्स इंटू एक्स को क्या माने टी, तो यहाँ पे यही क्या बन जाएगा, नाउ प्रॉब्लम क्या बन जाएगा हमारा, नाउ हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा क्या, डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब दोस्त वन बाई कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब दोस्त सेक स्क्वायर टी क्या होता है, टेन टी फॉर्मूला ही है, हम लोग जैसे ही कॉस स्क्वायर देखते तो उसको सेक में बदलने चल जाते, तो ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा टेन टी प्लस सी। अब दोस्त टेन टी क्या चीज को माने हैं, टी माने ई के पावर एक्स इंटू एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। अब देखना रह गया कि हमारा ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है, ससुरी बी मैच कर रहा है, ई के पावर एक्स इंटू एक्स, एग्जैक्टली दोस्त, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हम लोग 7.3 के सारे एक एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब अगला जो हम लोग का होने वाला है, देखिए इंटीजर ऑन सम पार्टिकुलर फंक्शन, जैसे स्पेशल फंक्शन जो हम पढ़ाए थे भाई, इसको आप नोट करोगे तो नोट कर लेना, बाकी हम इसको हटाना चाहते हैं भाई, गायब हो जा तू सिम सिम। अब दोस्त यहाँ पे क्या है कि अब अगला जो सेक्शन हम लोग का बनने वाला है, अगला सेक्शन बनने वाला नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग अगला सेक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का स्पेशल फंक्शन वाले। अब आपको काम क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के लेके जब भी आप आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको एक एच डब्ल्यू में और काम करना है कि जितने भी आपको स्पेशल फंक्शन के नाम से जितने भी फॉर्मूला लिखाए हैं, है ना, जितना भी स्पेशल फंक्शन वाला फॉर्मूला लिखाए हैं, जो भी आप इस तरह के फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूला पढ़ाए वो सारा एक बार रिवाइज करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी पे बेस्ट पूरा प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना, उसी पे सारा का सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको हम बता रहे हैं कि आप ये कर लो, फिर देखो आप में एक अलग परफेक्शन नजर आएगी, है ना, आप इसको कर लो, आपके अंदर एक अलग पोटेंशियल और एक अलग जज्बा नजर आएगी, और स्टूडेंट की अपेक्षा आप पहली बार ही क्यों ना पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा, और दूसरे बुक से आप सवाल करोगे बहुत कम प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। हम कॉन्सेप्ट सारा हम लोग यहाँ सीख ही ले रहे हैं, बाकी वहाँ आपको सिर्फ प्रॉब्लम करना रहेगा, प्रॉब्लम करना कोई भी डाउट होगा हम डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ भी हम लोग कम प्रॉब्लम थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम करते जा रहे हैं। और बाकी आपको एक बुक कोई ले लेनी है जिस बुक से आप प्रैक्टिस करो, और हम वो बुक भी बता देंगे, जैसे इसको कंप्लीट करते ही आप उस बुक से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास हमको लगता है बहुत जल्दी हम उसको निपटाने वाले हैं हम लोग, है ना। तो अगर आप लोगों को काम समझ में आ गया हो तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको काम समझ में आ गया कि काम क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद करके आना है, और शुरू से लेके अभी तक जितना भी पढ़े एक बार अपना मन से बना जाना है। 7.1 7.2 HW दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, HW करो सर, काम तो कुछ रहता नहीं हम लोगों को, है ना। देखो दोस्त HW है ना, करके क्या आना है 7.1 7.2 7.3 एंड 7.6 जो इंडिकेशन बाय पार्ट है, ये चार एक्सरसाइज आपको बैठना है और खुद से अभी सिखा दिए हम सारा, खुद से एक बार बना जाना है सर, याद करवा रहे दोस्त, याद नहीं करवा रहे, ये प्रैक्टिस है जिससे आप अप्रोच लगाना सीखोगे, और जब नया क्वेश्चन मिलेगा तो उस पर आप आइडिया लगा पाओगे, ठीक है।
तो ये आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे एक बार में महान हो जाए, ऐसा होना होगा ही नहीं, है ना। और कोई नहीं हुआ है, और आप हम भी आज बना रहे हैं तो ऐसा नहीं भाई प्रैक्टिस बहुत हुए हैं, और कोई भी टीचर बनाता सब प्रैक्टिस किया हुआ रहता है ना। तो किसी भी टीचर के पास तो ये नहीं कि मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं, वो भी प्रैक्टिस बहुत किया हुआ है, तो आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप दोस्त ये एक्सरसाइज आपको SW में मिला, और क्या मिला, फॉर्मूला सारे मेमोराइज करके आने के लिए। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 7.4 का जो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम डिस्कशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पॉलिटेक हब की वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे फैलाना ना भूले। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।